गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो विंड एंड स्विचिंग एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो अर्थक्वेक लोड्स के टॉपिक पे हम चल रहे थे, और हमने बेस शियर का एक फॉर्मूला देखा था कि हम बेस शियर की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बेस शियर का जो फॉर्मूला है वो वी बी इज इक्वल टू ए एच इन टू डब्ल्यू होता है, और जहाँ पर मैंने डब्ल्यू क्या बताया था, डब्ल्यू को ए एच और डब्ल्यू को मैंने दोनों को डिफाइन किया था, जिसमें ए एच तो था हमारा डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और डब्ल्यू था हमारा क्या, सिस्मिक वेट, सिस्मिक वेट। अब इस सिस्मिक वेट के अंदर भी हम बात कर चुके थे इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमने बात की थी हम डेड लोड को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपके कॉलम आ गए, बीम्स आ गए, वॉल्स आ गई, कॉलम अबो और बिलो द सरफेस, वो सब इसके अंदर आ गया था। और प्लस इसके अलावा हम इसमें इम्पोज लोड को भी, डेड लोड और इम्पोज लोड, या जिसको हम कहते हैं एक तरह से क्या, लाइव लोड, इसको भी कह। अब इस लाइव लोड की कंडीशन के लिए, इम्पोज लोड के लिए हमें देखना है कि हम क्या वैल्यू पुट करते हैं। तो इम्पोज लोड के लिए आपको क्लॉज 7.3.1 में दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, जिसमें आपको इम्पोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लोर लोड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड की वैल्यू दे रखी है। तो उस टेबल को हम देखते हैं इम्पोज लोड के लिए। तो चलिए इम्पोज लोड की कैलकुलेशन में हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं 4 इम्पोज लोड के लिए। एक तरफ तो हम लिखते हैं इम्पोज यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोज यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोर लोड्स किसमें होगा, और यूनिट होगी इसकी क्या, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड। अब देखिए अगर हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट है, यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का, वो अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 है, अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 है, तब तो हमें जो लेना है इस 3 के लिए वो हम लेते हैं 25%। कितना लेते हैं, 25%। लेकिन अगर ये अबव 3 है तो हम लेते हैं इसके लिए कितना, 50%। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है इम्पोज लोड के लिए, कि इम्पोज लोड जो आप लेंगे वो 25 और 50% कौन कौन सी कंडीशंस में लेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वीबी का, वीबी इज इक्वल टू ए एच इंटू डब्ल्यू था, तो ये W के अंदर जो भी आते थे, हमने सारे डेड लोड की बात कर ली और इम्पोज लोड की बात कर ली। अब चलते हैं ये ए एच क्या है इसकी तरफ, थोड़ा सा देखते हैं वॉट इज ए एच। तो ये मैं आपको पहले बता चुका है ए एच होता क्या है, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है ए एच। क्या होता है, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन।
एच क्या है? डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्लोज 6.4.2 में ही आपको मिलेगा आईएस 1893 2002 पार्ट वन के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसी कोड को आपको प्रेफर करना है, ठीक है। तो डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है ए एच इज इक्वल टू जेड आई एस ए अपॉन टू आर जी, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे लिख लो जेड बाई टू आई अपॉन आर और एस ए अपॉन जी, ठीक है, कैसे भी लिख लो। अब यहां पर ये सब क्या है उनकी बात करते हैं। तो जेड है जोन फैक्टर, जेड है हमारा क्या जोन फैक्टर। आई की बात करते हैं, आई क्या है? आई है हमारा इंपोर्टेंस फैक्टर, आई है इंपोर्टेंस फैक्टर। उसके बाद आता है हमारा आर, आर है रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आर है रेस्पॉन्स रिडक्शन, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है हमारा आर। उसके बाद है एस ए बाई जी, ये पूरा एस ए बाई जी, इसको एक साथ लिख देते हैं एस ए बाई जी। ये एस ए बाई जी है हमारा एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन, एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट, एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट। अब इनमें से एक एक की बात करेंगे हम कि जोन फैक्टर क्या है, इम्पोज फैक्टर क्या है, रेस्पॉन्स फैक्टर क्या है और एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन फैक्टर क्या है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस शियर का तो ये सारी वैल्यू हमें चाहिएंगी और इन सारी वैल्यूज के लिए हमें इन सब को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जोन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, रेस्पॉन्स रिडक्शन क्या है, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन फैक्टर की। जोन फैक्टर क्या है? जोन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द सिटी ऑफ इंडिया। किस पे डिपेंड करता है? ये सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में अर्थक्वेक की कैलकुलेशन करने जा रहे हो, ठीक है। दिस इज डिपेंड ऑन सिटी ऑफ इंडिया, तो यहां लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन सिटी ऑफ इंडिया, इट डिपेंड्स सिटी ऑफ इंडिया। अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग है। आपको ये मिलेगा किसमें? एनएक्सई, आपको एक टेबल मिलेगी कोड में एनएक्सई, उस एनएक्सई के अंदर आप सिटी वाइज ये रीडिंग देख सकते हो। उसके अलावा इंडिया को चार जोन्स में डिवाइड किया गया है। द मैप ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ जोन्स एज पर अर्थक्वेक प्रोन सेवरिटी ऑफ एरिया, एरिया सेवरिटी के बेस पे इंडिया को जोन्स में डिवाइड किया गया है और अर्थक्वेक के बेसिस पे हम देखते हैं कि इंडिया को चार मेनली जोन्स में डिवाइड किया गया है। वो चार जोन कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पर तो लिख देता हूँ सिस्मिक जोन और सिस्मिक इंटेंसिटी और जेड की वैल्यू, यहां तो लिख देता हूं मैं सिस्मिक जोन, यहां लिख देता हूं इंटेंसिटी,
और यहां लिख देता हूं जेड की वैल्यू, ठीक है। यहां जोन इंटेंसिटी और ये जेड की वैल्यू क्या कही रही है। तो चार जोन है, कौन कौन से? एक जोन है सेकंड जोन, एक जोन है थर्ड जोन, एक जोन है फोर्थ जोन और एक है फिफ्थ जोन। इस तरीके से चार जोन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लो, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। ये तो कहलाता है लो, ये कहलाता है मॉडरेट, ये कहलाता है सीवियर और ये है हमारा वेरी सीवियर। इंटेंसिटी हो गई चारों की लो, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। अब वैल्यू की बात करते हैं, 0.10, 0.16, 0.24 और लास्ट में रहती है 0.36, 0.36। ये है हमारी क्या जोन के हिसाब से और इंटेंसिटी के हिसाब से जेड की वैल्यू, कि हमें जेड की वैल्यू किस तरीके से पिक करनी है। ये हमारा एक चार्ट हो जाता है जिसमें हम इंडिया जोन्स को अर्थक्वेक के बेस पे इंडिया को चार जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन मस्ट रिमेम्बर दिस टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थक्वेक, हाउ मच जोन्स आर डिवाइडेड इन इंडिया एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक लोड्स। सो द अगर हमें जेड की वैल्यू रखनी है डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि सिटी कौन सी है, वो सिटी इन चारों में से किस जोन के अंदर आती है और उस जोन की फिर जेड की वैल्यू क्या है। या आपको वो ऐसा करे कि सिटी का नाम ना देकर डायरेक्ट जोन की वैल्यू दे दे कि भैया ये जोन है और आप डायरेक्टली टेबल से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये टेबल आपको टेबल 2 है जो क्लॉज 6.4.2 में आपको कोड के अंदर मिल जाएगी अगर आप लोग याद नहीं रख सकते तो। उसके बाद चलते हैं हम, जेड के बाद है हमारा आई, जेड के बाद है हमारा आई जिसको हमने बोला था इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो ये हमारा जेड आ गया, जेड मिल जाएगा ना हमें यहाँ से, यहाँ से हम वैल्यू कोड में से देख के पिक कर लेंगे और अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब चलते हैं आई, आई है हमारा इम्पोर्टेंस फैक्टर, आई जिसको हम बोल रहे थे इम्पोर्टेंस फैक्टर, इम्पोर्टेंस फैक्टर। आई के लिए देखिए होता क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, इट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स characterized by hazardous consequences of its failure full stop. Post earthquake function needs historical value or economical importance. So post earthquake functional needs
हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल वैल्यूज और वैल्यूज और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक 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 इम्पोर्टेंस. सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन द इम्पोर्टेंस फैक्टर. अब इम्पोर्टेंस फैक्टर के लिए आपको कोड में टेबल नंबर 6 दे रखी है, जो क्लॉज है 6.4.2. तो टेबल क्या है? टेबल है कि आपको बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के हिसाब से वैल्यू दे रखी है, जिसमें अगर हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, इमरजेंसी बिल्डिंग्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, फायर स्टेशन बिल्डिंग है, तो उन सब के लिए 1.5 लेते हैं हम आई की वैल्यू. दो वैल्यू लेते हैं, एक तो 1.5 लेते हैं और एक 1.5 के अलावा 1.0 लेते हैं. तो 1.5 किस किस के लिए लेते हैं आप तो ये याद रख लो, बाकी जो बची उनके लिए सबके लिए 1 लेते हैं. तो 1.5 के अंदर हमारी आती हैं कौन कौन सी, जैसे हॉस्पिटल्स आ गए, स्कूल्स आ गए, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीविजन स्टेशंस आ गए, रेडियो स्टेशंस आ गए, रेलवे स्टेशन आ गए, फायर स्टेशन आ गए, सबवे और पावर स्टेशंस आ गए. तो ये सब आती हैं किसके अंदर, 1.5 कैटेगरी के अंदर. आई की वैल्यू 1.5 और 1 ऑल ऑफ अदर जितनी भी बची वो सब 1. तो यहाँ तक हम रेस्पॉन्स फैक्टर तक पहुँच चुके. कल हम देखेंगे ऐसे वाई जी हम किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.